भिन्न भिन्न प्रकार के कैलेंडर हैं दुनिया भर में और हमारे भारत में भी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं। गुजरात में अलग हैं, महाराष्ट्र में अलग हैं, असम में अलग हैं, पंजाब में अलग हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समागम है, क्योंकि नव संवत्सर आने वाला है अगले दो चार दिन में। संवत 2080 खत्म हो रहा है और 2081 शुरू होने वाला है। तो आज इसी की चर्चा कर लेते हैं और गुरु जी से पहला सवाल यही कर लेते हैं कि जो नया संवत्सर आ रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं। बंधुओं, संवत्सर भारत की कालगणना की विशेषता है। भारतीय जीवन दर्शन में चंद्रमा का महत्व रहा है। चंद्रमा का दर्शन नित्य प्रतिदिन हमारे मनीषियों ऋषियों ने किया है। उसी के आधार पर चंद्रमा हर रोज अलग अलग नक्षत्रों के साथ विचरण करता है, ये ज्ञात हुआ। और धीरे धीरे उसकी कलाओं के साथ साथ अलग अलग समय में एक स्थापित हुआ कि हर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक महीना बना, पूर्णमासी बन गया जी। और जब सिद्धांत काल बना तब अमावस्या अमांत्य काल बना। तो चंद्रमा के जो महीने हैं ये हमारी मासिक अवधारणा चंद्रमा के आधार पर बन गई, कई वर्षों तक ये चला। मुस्लिम समाज में भी चंद्रमा की महत्ता रही है और वहाँ चंद्रमा के आधार पर मास में। परंतु भारत का जीवन दर्शन, भारत के मनीषी विद्वान थे, ऋतुओं के साथ इसका सामंजस्य बैठे तो चंद्रमा का जो महीने हैं इनका ऋतुओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठता। तो इसको बिठाने की व्यवस्था हमारे भारतीय जीवन दर्शन में हुई, क्योंकि प्रकृति से हम चले तो हमारे ऋतुओं मास के पहले ऋतुओं का आविष्कार। तो फिर वो संवत्सर तो बाद में आए, पहले ऋतुएं आई तो छह ऋतुएं बनी। तो छह ऋतुओं के आधार पर चंद्रमा के महीने गिने गए। तो पहले मधु माधव करके नाम चलते थे, बाद में धीरे धीरे पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता था उसके ऊपर नाम पड़ गए। चित्रा नक्षत्र होता था, चैत्र हो गया, विशाखा नक्षत्र होता था, वैशाख हो गया, अरे वाह, इसके आधार पे निर्माण में जी। बाद में उनमें भी परिवर्तन दिखाई दिया तो उसको परिवर्तन हमारे ज्योतिषी जो थे, हमारे जो विदुषी विद्या विद्वान थे, उन्होंने अपने धीरे धीरे उसको परिवर्तित करते गए। हमारे कैलेंडर में कभी भी कोई विसंगति इसलिए नहीं आई कि वो प्रकृति के साथ 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 चला जी जी जी। जहाँ जहाँ परिवर्तन जो वास्तव में आता था उस परिवर्तन को लेकर के बनाया, इसलिए ये चांद्र सौर संवत्सर। ठीक है, नमस्कार।